दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया और आप उस मैसेज को सीन करना चाहते हैं बिना सामने वाले को पता लगे कि आपने उसका मैसेज सीन कर लिया तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई मैसेज करता है और आप उस मैसेज को सीन करते हैं तो सामने वाले का जो डबल कलर का ग्रे कलर का जो टिक होता है डबल, वो जो है ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है। तो उसको ये पता लग जाता है कि आपने उसका व्हाट्सएप मैसेज जो है सीन कर लिया। अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करते हैं तो हो सकता है वो बुरा मान जाए या फिर आपसे नाराज हो जाए या फिर नाखुश हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे दो टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देर किस बात की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे दो टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला तरीका क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप में एक सेटिंग करना होगा। तो सेटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, मान लो ये व्हाट्सएप है, मैंने इसमें एक मैसेज भेजता हूँ, ठीक है, हेलो। देखो मैंने हेलो भेजा और इस पे आया, ठीक है, और आप देख सकते हो कि मैंने उसको सेंड किया और उसने अगर वॉच सीन किया है तो यहाँ पे ब्लू टिक आ गया है, ठीक है। अभी मैं एक सेटिंग करके दिखाता हूँ जिसके बाद क्या होगा आप देखना खुद, ठीक है। मैं बैक करता हूँ, उसके बाद अभी आपको थ्री डॉट पे आना है, फिर सेटिंग के अंदर जाना है, उसके बाद आपको अकाउंट के अंदर आना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइवेसी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रीड रिसिप्ट का। अभी आप देखो यहाँ पे लिखा है इफ टर्नड ऑफ यू वॉन्ट सेंड और रिसिप्ट रीड रिसिप्ट्स, रीड रिसिप्ट आर ऑलवेज सेंड फॉर ग्रुप चैट्स। आप इसको ग्रुप चैट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ये कह रहा है अगर आप इसको सिंपली आपको इसको ऑफ कर देना, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप किसी को मैसेज, अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया और सामने वाले ने आपका मैसेज जो है सीन किया, ठीक है, तो आपको पता नहीं लगेगा। और सामने वाले ने अगर आपको मैसेज सेंड किया और आपने सीन किया तो सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा। मतलब कि किसी को नहीं पता चलेगा इसको ऑफ करने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन किसका मैसेज देखा, ना आपको पता चलेगा ना सामने वाले को पता चलेगा। इसमें एक यही डिमेरिट है कि आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि सामने वाले ने सीन किया या फिर नहीं किया। अभी देखो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद अब मैं आपको एक मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, रुको, मैंने यहाँ पे फिर से मैं एक हेलो सेंड करता हूँ। देखो जैसे मैंने हेलो सेंड किया, देखो हेलो सेंड किया, ठीक है, देखो सामने वाले को तो मैसेज मिल गया लेकिन मेरे वाले में जो है ब्लू टिक नहीं हुआ। तो मुझे भी ये नहीं पता चलेगा कि सामने वाले ने सीन किया या नहीं किया। अब सामने वाले के फ़ोन से अगर मैं सेंड करूँ, जैसे देखो हेलो उसके फ़ोन से सेंड किया, मुझे तो मिल गया लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता कि मैंने सीन किया या फिर नहीं किया। अभी आपने पहले मेथड को देखा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मान लो कि हेलो मैं सेंड करता हूँ, हेलो मैंने सेंड किया, ठीक है, अभी सेंड किया, मुझे मैसेज मिल गया है इस वाले व्हाट्सएप में, मुझे मैसेज मिल गया है। अभी मैं इसको बिना बताए मैं सीन करना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें ब्लू टिक ना हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फ्लाइट मोड ऑन करूँगा, उसके बाद इस मैसेज को जाऊंगा, सीन करूंगा और देख सकते हैं यहाँ पे मैं सीन कर रहा हूँ लेकिन इसको जो है अभी तक पता नहीं चला है। तो सिंपली आप ये समझ लो कि जब भी आप किसी का मैसेज सीन करने जाओ तो आप ऑफलाइन हो जाओ, आप नेट बंद कर दो या फिर फ्लाइट मोड पे आ जाओ। आप सीन करोगे तो उसको जो है ऑनलाइन नहीं दिखेगा, उसका जो ब्लू टिक नहीं होगा। तो यही दो टेक्निक था दोस्तों, या फिर तीन टेक्निक कह सकते हो, यही जो टेक्निक है इसी की मदद से जो है आप ऑफलाइन रह के आप किसी का मैसेज जो है सीन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये था दो टेक्निक्स जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी का भी मैसेज देखें और सामने वाले को जो है पता ना लगे। अगर दोस्तों इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमें चाहे तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।